गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ भानु प्रताप सिंह. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिक्स यूनिट ऑफ सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, विच इज़ ऑटोमेशन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल. बेटा, इस सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में जो ऑटोमेशन का पार्ट है वही यूनिट सिक्स में कवर है, मतलब कि ऑटोमेशन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला है कि ऑटोमेशन क्या है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन. तो बेटा, द वर्ड ऑटोमेशन रिफर्स टू अ मेथड ऑफ यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर एंड मशीनेटेड टास्क टू हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट ईजियर वे टू डू बिजनेसेस. मतलब बिजनेसेस को आसान करने के लिए, उत्पादन को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर का मशीन से कॉम्बिनेशन या कंप्यूटर को मशीन से जोड़ना या जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऑटोमेशन कहलाती है. बहुत सारे प्रकार के ऑटोमेशन हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं को हम ऑटोमेशन कह रहे हैं. तो ऑटोमेशन में कंप्यूटर का रोल क्या है, मतलब ऑटोमेशन में कंप्यूटर का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन में लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है ऑटोमेशन में. तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर के रोल की बात करें ऑटोमेशन में, तो सबसे पहला रोल आता है मैन्युफैक्चरिंग में. सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही पावरफुल इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता था, जिससे हम ऑटोमेशन को स्टार्ट किए थे. क्योंकि इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स जो हैं वो ह्यूमन लेबर्स को या ह्यूमन लेबर की जो लिमिट्स है उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं. अब दूसरा कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑटोमेशन में CNC या फिर एसेट ट्रैकिंग में कह लीजिए. एसेट ट्रैकिंग का मतलब क्या, एबिलिटी टू मॉनिटर एनी गिवन प्रोसेस, किसी भी दिए गए प्रक्रिया को मापने के योग्य होता है, वही एसेट ट्रैकिंग में इस्तेमाल होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिमुलेशन मतलब मिलाना एंड विजुअलाइजेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम ऑटोमेशन में. जैसे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं आज के डेट में, वो एक मेजर कंपोनेंट है सक्सेस के लिए कंप्यूटर इंडस्ट्री में. कंप्यूटर के लिए तो बेसिकली क्या करते हैं, डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जैसे कि डिन रेल कंप्यूटर्स कैन क्रिएट पावरफुल कंप्यूटर ऑटोमेशन. जो डिन रेल कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक पावरफुल यूनिट क्रिएट करता है जो ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है, जिसमें आज के डेट में रियल वर्ल्ड सिचुएशन में वो जो कंप्यूटर है उसका इमर्जिंग ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. अब आते हैं कंप्यूटर का ऑटोमेशन में क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है. तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, थोड़ा फैन चला दीजिएगा ये. और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का मतलब क्या कि एज कंप्यूटर ऑटोमेशन कंटिन्यूस, जैसे ही कंप्यूटर ऑटोमेशन यानी कि कंप्यूटर स्वचालन जारी होता है एडवांस के लिए, मैन्युफैक्चरर्स आर बिगिनिंग टू डिस्कवर. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो खोज के प्रारंभ में होते हैं मोर एंड मोर इनोवेटिव एप्लीकेशंस अक्रॉस द मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग. और ज़्यादा से ज़्यादा वो उन प्रयोगों को इस्तेमाल करते हैं या कर रहे होते हैं जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है. तो ऐसी प्रक्रिया बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में अगर हम कंप्यूटर को ऐड कर दें, मतलब कंप्यूटर इज़ मोर प्रीडोमिनेंट देन द ह्यूमन. जो कंप्यूटर होता है वो एक स्केड्यूल या रूटीन शेड्यूल से मेंटेनेंस कर सकता है हमारी सारी प्रक्रियाओं को, और वो सारी प्रक्रियाएं जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए
फ्रॉम स्टार्ट टू एंड होंगी, इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय सेफ्टी। अब जो कंप्यूटर हम ऑटोमेशन में जोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेफ्टी को भी देखता है, मतलब एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए भी रोल प्ले करता है। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेस पर लगा दिया जाता है। और जो मॉडल होता है डिज़ाइन किया जाता है वो ज़्यादातर जब सेफ्टी के लिए लगाएंगे तो डेब्रिस, मॉइस्चर, मतलब मलबे, नमी और बैक्टीरिया से ह्यूमन को या जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको बचाता है। जो एम्प्लॉय जैसे कि क्या, वो एम्प्लॉय जो फ्लोर लेवल पे काम कर रहे हैं वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हमारा कंप्यूटर होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय की भी सेफ्टी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेशन सिस्टम में। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन, अब पहले के समय में डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता था लेकिन कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने से मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क करना पड़ता था जो एक फिजिकल है और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इन सारे स्टेप्स का मैन्युफैक्चरिंग के डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क करना बहुत ही टफ है। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टफ हो जाती थी किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग। इस चीज़ को देखते हुए हम कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस किए यानी मैन्युफैक्चरिंग में, वही तो ऑटोमेशन है, तो हम देखें कि पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत सारा बच गया और ये ज़्यादा सफिशियंट है, सेल्फ सफिशियंट है किसी भी लेवल पे ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोडक्शन यानी कि ऑटोमेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, हमारे लिए इन दैट सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ बच्चों। अब आगे बात करें कि डिज़ाइन फॉर ऑटोमेटेड असेंबली। ऑटोमेटेड असेंबली के लिए डिज़ाइन जैसे क्या क्या काम करता है कि रिड्यूस अमाउंट ऑफ असेंबली रिक्वायर्ड, जो असेंबली की ज़रूरत पड़ती है उसकी मात्रा को घटा देता है। मॉड्यूल डिज़ाइन होते हैं यानी कि मॉड्यूलर होता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ फास्टनर्स रिक्वायर्ड, जो फास्टनर्स की ज़रूरत पड़ी उनको भी घटा देता है, उनकी संख्या को यानी। और नीड फॉर मल्टीपल कंपोनेंट टू लाई हैंडल एट वंस, पहले मल्टीपल जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते थे अब उनको एक ही बार में इस्तेमाल करने के योग्य बना देता है, यानी जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़रूरत को घटा देता है। लिमिट द रिक्वायर्ड डायरेक्शंस ऑफ एक्सेस, उपयोग की जो दिशा है, एक्सेस की जो दिशा है उसकी ज़रूरत को सीमित कर देता है। रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी इन कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट में क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की ज़रूरत थी उसकी रिक्वायरमेंट करता है। इम्प्लीमेंट ऑपरेबिलिटी, मतलब जो इमीडिएटली हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको भी इमीडिएट यानी कि इम्प्लीमेंट यानी कि बढ़ा देता है। तो कुछ कॉमन सा एडवांटेज था जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किए। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, बाहर अवॉइड करिएगा। मैग्नेटिक टेप क्या है, जैसा कि बता चुका हूँ, थिन रिबन होती है प्लास्टिक की एक साइड पे, जिसे मटेरियल की कोडिंग होती है और जो क्या करता है बाइनरी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। अ सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडिया होता है, यूजुअली कार्ट्रिज टाइप में होता है, प्राइमरी मीन्स ऑफ बैकअप्स के लिए, डेटा के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ऐसे की बचत करता है तुरंत ही यूज करने के लिए, है ना, क्योंकि कह रहा है डज नॉट हैव टू बी एक्सेस इमीडिएटली, जो तुरंत एक्सेस नहीं किया जा सकते हैं उसी चीज़ के लिए हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे। अब मैग्नेटिक टेप क्या है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के एक माध्यम होता है। सिंपली आप याद रखिए, मैग्नेटिक टेप इज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, जो मैग्नेटिजेबल कोटिंग से बना होता है,
एक पतले प्लास्टिक के पट्टी पर। इसे जर्मनी में विकसित किया गया था मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग के आधार पर, ठीक है ना। अगला है वो डिवाइसेस जो रिकॉर्ड और प्ले कर सकें ऑडियो या वीडियो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करके, उन्हें टेप रिकॉर्डर कहते थे। वीडियो कौन सा, वीडियो टेप रिकॉर्डर कहते थे, और क्या कहते थे, वीडियो टेप रिकॉर्डर, है ना। ऑडियो को जो कहे तो टेप रिकॉर्डर, और जो वीडियो का करे वो वीडियो टेप रिकॉर्डर। एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर लेती है मैग्नेटिक टेप पे, वो क्या कहलाती है, टेप ड्राइव कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि व्हाट इज पीसीबी या एब्रिविएशन ऑफ पीसीबी, तो क्या होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, शॉर्ट में उसे पीसीबी कहते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर पॉल इजलर ने विकसित किया था। ये एक नॉन कंडक्टिव सब्सट्रेट होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकली जोड़ता है। किसकी मदद से, तो लैमिनेटेड कॉपर शीट की मदद से जो एक ट्रैक पैड्स पे बने होते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। क्यों पीसीबी का इस्तेमाल करते हैं और कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं, आईसी क्यों नहीं, तो पीसीबी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये सबसे पहली चीज़ कि अफोर्डेबल है, दूसरी चीज़ कि ज़्यादा विश्वसनीय है, तीसरी चीज़ इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही बेसिकली कहूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को मिला करके ये बना है जिसे हम कॉम्पैक्ट कह रहे हैं। तो वेट कर लेते हैं, एक्चुअली पावर सप्लाई बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही थी। तो पीसीबी का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में और कौन कौन से फीचर्स हैं, तो और भी फीचर्स की बात करें तो उसकी डिज़ाइन क्या है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। और ड्रॉबैक क्या है, दूसरे बोर्ड की तुलना में, दूसरे प्रकार के बोर्ड की तुलना में ये ज़्यादा लेआउट लेता है, हायर इनिशियल कॉस्ट जो इसकी प्रारंभिक लागत है वो ज़्यादा आती है, किसकी तुलना में, वायर रैप या पॉइंट टू पॉइंट कंस्ट्रक्शन की तुलना में। तो जहाँ कुछ फ़ायदे होंगे वहाँ कुछ कमियाँ भी होंगी बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या है, किसका, आईसी का, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंटीग्रेटेड चिप को और क्या कह सकते हैं, तो बेटा इंटीग्रेटेड चिप को आईसी भी कहते हैं। क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड देयर इंटर कनेक्शंस दैट आर इम्प्रिंटेड इनटू अ टीनी स्लाइस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो जटिल होते हैं या जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनका सेट होता है, और उन दोनों को, उन सब को आपस में जोड़ता है जो एक टीनी स्लाइड्स, सेमीकंडक्टर की टीनी स्लाइड्स होती है, उसी पदार्थ से बना होता है, या सेमीकंडक्टर पदार्थ का टीनी स्लाइड्स होता है उसी की मदद से वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ता है, जिनकी डिज़ाइनिंग या जो कंपोनेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूजुअली कॉल्ड आईसी चिप्स। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी चिप या आईसी कह लीजिए या इंटीग्रेटेड चिप्स कह लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप्स कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसका इन्वेंशन हुआ था, सबसे पहले ये आइडिया दो लोगों के दिमाग में आया था आईसी का, क्योंकि उसके पहले ट्रांसिस्टर का इस्तेमाल करते थे। ट्रांसिस्टर का इस्तेमाल कहाँ से, रेडियो से, फ़ोन में, फ़ोन से कंप्यूटर में होता रहा, लेकिन अभी भी बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे थे जो उससे बेटर चाहते थे। ये पक्का था कि जो ट्रांसिस्टर है वो
वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा है, लेकिन अभी भी जो आने वाली टेक्नोलॉजीज थी, नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स थी, उनमें ये काफ़ी नहीं था ट्रांसिस्टर, इसीलिए आईसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एफएमएस? एफएमएस का फुल फॉर्म बेटा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। अब एफएमएस है क्या? ऑटोमेटेड मशीन सेल्स होती है जो क्या करती है, बहुत सारे वर्क स्टेशन को ग्रुपिंग करती है और जिसमें सारी प्रक्रियाएं मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज की उस निकाय में जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे स्टेशन से। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मिड वैरायटी और मिड वॉल्यूम प्रोडक्शन रेंज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूँ, ये इन आउट है सीएनसी मशीन 1, 2 और 3 का। ये एजीएन है, ऑटोमेटेड एजीवी है, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल, एजीवी का भी फुल फॉर्म हो सकता है। टेम्परेरी स्टोरेज लाइन है, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल है आपका, लोड है अनलोड है और आपका रन है, लोड और कंपैक्ट है ना, क्या मटेरियल हैंडलिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, अब किसी भी मशीन पे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को एक सीएनसी मशीन से दूसरे सीएनसी मशीन में ऑपरेशन करना है और मटेरियल की हैंडलिंग करनी है तो क्या करते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, 2 या कितने भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स इन सीएनसी मशीन्स की लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। जो मशीन जिस भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है उसी हिसाब से ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक की हैंडलिंग, यानी कि मटेरियल की हैंडलिंग या पार्ट की हैंडलिंग करते हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो ऑटोमेटेड मशीन सेल होता है वो ग्रुप में होता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए लेआउट क्या होता है बेटा। तो लेआउट में प्रोग्रेसिव होता है, पढ़े होंगे आप ये चीज़ें पिछले सेमेस्टर में, लैडर टाइप में यानी सीढ़ी टाइप में, ओपन फील्ड में अगर हो रहा है तो ओपन फील्ड, अगर रोबोटिक सेंटर, सेंटर में रोबोट है और सारी मशीनों को वो ऑपरेट कर रहा है अराउंड द रोबोट, तो रोबोट सेंटर टाइप में होंगी। प्रोग्रेसिव या लाइन में है तो लाइन, लूप में है तो लूप, सीढ़ी में है यानी लैडर में है तो लैडर, ओपन फील्ड में है तो ओपन टाइप, और सेंटर पे अगर रोबोट है तो रोबोट सेंटर टाइप में हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एक टर्म है ग्रुप टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में GTB कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकता है कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है। तो बेटा ग्रुप टेक्नोलॉजी इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी, ग्रुप टेक्नोलॉजी एक उत्पादन फिलॉसफी है, मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी है, जिसमें एक समान प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और ग्रुप्ड किए जाते हैं, एक साथ मिला दिए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका लाभ ले सकें, उनकी समानता का लाभ ले सकें, किस में? डिज़ाइन में और प्रोडक्शन में। मतलब मैं फिर से समझा दूं कि डिज़ाइन और प्रोडक्शन में जो पार्ट एक समान होते हैं, जिनके प्रोडक्शन और डिज़ाइन में सिमिलैरिटी है, उन सबको एक साथ हम लेते हैं और उनको एक साथ ले करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा देते हैं, यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी होती है। जो एक समान के पार्ट हैं वो एक पार्ट फैमिली होती है, एक समान का जिसमें पार्ट होती है उसको एक समान के पार्ट फैमिली में अरेंज कर लेते हैं, जहाँ पार्ट फैमिली समान डिज़ाइन और समान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंक्लूड करता है। मतलब समान डिज़ाइन और समान मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पार्ट फैमिली बनाते हैं जिनमें उन पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि एक प्लांट है जो 10,000 पार्ट बना रहा है, वो क्या कर सकते हैं, 30 से 40 पार्ट फैमिली में उसको बांट सकते हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल ही दिया है हमने ग्रुप टेक्नोलॉजी का। मतलब क्या कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन ग्रुप, इन पार्ट फैमिलीज। तो 3 जनरल मेथड्स हैं, पहला विजुअल इंस्पेक्शन, पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, और प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, जो ग्रुप टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
चले आते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पे। वैसे तो ब्रीफ नहीं है, शॉर्ट में ही पूछा था, आपके सिलेबस में शॉर्ट में ही है, फिर भी हम देखते हैं क्या हो सकता है। कैट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछा है, पूछेगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर, कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या करता है ये? कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर सिस्टम का, किसके लिए? क्रिएशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिज़ाइन की, मतलब डिज़ाइन की क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। मतलब डिज़ाइन फ्रॉम द कंप्यूटर। अब डिज़ाइन के साथ साथ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन को ही हम डिज़ाइन कह रहे हैं, बेसिकली किसी पार्ट या प्रोडक्ट की। जो टिपिकल टूल्स हैं वो टॉलरेंस है, मास प्रोडक्शन है या मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन है, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग है और डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द डिज़ाइन। जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कैड है यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है उसका मेन फंक्शन क्या है? टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। अब अगला टर्म कि कैड कैम क्या है। कैड का फुल फॉर्म पता ही है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए? डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यह टेक्निक पहली बार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल की गई, जिसे ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ यानी ऑटोमोबाइल के बॉडी को बनाया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत सारे एरिया में स्प्रेड हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कैड कैम क्या है? वही है जो अभी मैंने बताया, कंप्यूटर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग। किसके लिए? तो मेजर चार चीज़ों के लिए, क्रिएशन, डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? डिज़ाइन। ऑप्टिमाइजेशन भी ले लीजिए, है ना, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो इन्हीं को कैड कैम का कॉम्बिनेशन कहते हैं। बेसिकली पांच चीज़ें इंक्लूड। डिज़ाइन को और एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे 2D ड्राफ्ट या ड्राइंग फाइल्स, 3D हमने कंप्यूटर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा है, 3D वायर फ्रेम मॉडल्स, 3D सरफेस मॉडल, 3D सॉलिड मॉडल्स। तो इन सब का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डिज़ाइन के लिए किसी वाया कंप्यूटर सिस्टम से प्रोग्राम के थ्रू ही कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। आगे बढ़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है बेसिकली? तो मैन्युफैक्चरिंग चार तरह की, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, जॉब शॉप या प्रोजेक्ट में हो सकती है। यानी कि मैं कहूँ कि जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करता है किसके लिए? प्लान, मैनेज और कंट्रोल के लिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशन को प्लान, मैनेज और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके करता है, डायरेक्ट कर सकता है या इनडायरेक्ट कर सकता है प्लांट के प्रोडक्शन, है ना, रिसोर्सेज से। दूसरे शब्दों में, यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन नॉन डिज़ाइन एक्टिविटी बट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कैड। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल नॉन डिज़ाइन एक्टिविटी के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैम कहते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, तभी कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी ज़्यादा करा सकते हैं, ताकि क्या हो, जो प्रोडक्ट है उसका जो सुपरविज़न है वो हाई हो और जो उसका रिस्पांस हो बदलने का मार्केट के हिसाब से वो तेज हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। अगर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक मान लीजिए एक डस्टर ही बना रहे हैं, तो हो सकता है वो साइज़ डायमेंशन कस्टमर के थ्रू या कस्टमर के द्वारा या कस्टमर जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया,
लेकिन अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो भी हम कर सकें, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट हम बना सकें, छोटे छोटे लॉट साइजेस में बना सकें, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो बांट सकें और जो वेस्ट है उसको बचा सकें। इन सब चीज़ों को बनाना तभी संभव है जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर के थ्रू करें, यानी कि तभी हो सकता है जब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो कह रहा है सिम इज द इंटर जनरेशन या इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एंटरप्राइज ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी अराउंड अ कॉमन कॉरपोरेट डेटा रिपोजिटरी। कहना ये चाह रहा है, मैं एक वर्ड में कहूँ तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्लस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट करना, जोड़ना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। कही रहा न्यू मैनेजरियल फिलॉसफी को इंटीग्रेट करना, जोड़ना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू। ये एक प्रोडक्ट नहीं है बेटा जिसे हम परचेज भी कर सकें और इंस्टॉल कर सकें। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विच इंक्लूड कैड एंड कैम या विच इंटीग्रेट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक पार्ट नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रक्रिया होती है जो सम्मिलित करती है किसको, समाकलित करती है किसको, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को। ये एक सोचने का तरीका होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है। ये इंटीग्रेशन क्या करता है? प्रत्येक प्रक्रियाओं को एक्सचेंज करता, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरी क्रियाओं के साथ सक्षम बनाता है या योग्य बनाता है या अलाउ करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की जब भी मैं बात करूँगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंटीग्रेशन की, समाकलन की, किसके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्राइब द कंप्यूटराइज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। कह रहा है जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है वो किसका वर्णन करता है? तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्लानिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को कंप्यूटर के थ्रू समाकलित करता है, इंटीग्रेट करता है या समाकलन करता है, वही क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये किस पे निर्भर करता है? कम्युनिकेशन सिस्टम पे निर्भर करता है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम लार्ज स्केल पे। कह रहा है सिम डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ ए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी समाकलित कम्युनिकेशन सिस्टम पे निर्भर करता है, उसके प्रयोग करने पर निर्भर करता है। क्या ज़रूरत पड़ती है इसको? टेक्निकल और बिजनेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो क्या करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को हम एक वर्ड में कह देते हैं कि वो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ कैड एंड कैम। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बेसिकली है क्या, वही सारी चीज़ें ज्योमेट्री को स्पेसिफाई टूल पाथ को, है ना, पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो पार्ट, वो टूल पाथ जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस किए जाते हैं प्रोग्राम के थ्रू जो सीएनसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए सीएनसी मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए आपको नॉलेज की डिज़ाइन होनी चाहिए, लेकिन जब बात मैं करूँ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए न्यूमेरिकल कंट्रोल कोड का इस्तेमाल करते हैं और डिजाइनिंग के लिए हम 3D CAD मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें कंप्यूटर, ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका, CAPP का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस एंड प्लानिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए हम प्रोसेस प्लान्स का इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट्स को गेन करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्लाइड्स यहीं तक थी, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें कैसे देखने को मिलते हैं। जितना हमने किया था उसके आगे का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
हमने पिछले क्लास में सीएनसी टर्निंग शुरू करने वाले थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGES? IGES का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो IGES का फुल फॉर्म हमारा, आप ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पढ़िए थोड़ा, एक सेकंड के लिए मुझे समय दे दीजिए बस। तो बेटा IGES का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन, IGES। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच मशीन वी गेट फीडबैक? अब आपको बार बार मैं बताया हूँ फीडबैक किस में आपको मिलेगा, तो CNC मशीन यानी ऑप्शन सी में मिलेगा। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस स्टैंडर्ड? तो बेटा ये याद कर लीजिए, अब चार होते हैं। विच मशीन स्पिंडल इज यूज टू हॉरिजेंटल वर्क्स? तो नाम ही है हॉरिजेंटल वर्क के लिए, तो हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन द CNC मशीन? CNC मशीन में कितने तरह के कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, कितना? दो, ओपन और क्लोज्ड, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिस्टम स्पीड ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड? स्पीड ट्रांसड्यूसर नाम ही होगा, तो किसके लिए? मोशन के लिए हम देते हैं। तो ये किस में इस्तेमाल होता है बेटा? तो बार बार पढ़ रहे हैं, फीडबैक सिस्टम में इस्तेमाल होता है स्पीड का, स्पीड सेंसर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATC? अभी पिछले बार हमने देखा था ऑटोमेटिक टूल चेंजर। विच सिस्टम इज यूज फॉर द टू डायमेंशन इमेज? इनमें से टू डायमेंशन इमेज के लिए कौन सा निकाय इस्तेमाल होता है? तो बेटा GKS होता है। GKS क्या है बेटा? ग्राफिकल कर्नल सिस्टम है। ग्राफिकल कर्नल सिस्टम को 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये पहला ISO स्टैंडर्ड था किसके लिए? लो लेवल कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो इसको याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। सर आपको मिला? हाँ ठीक। विच चक इज यूज्ड फॉर एन अनइवन और कॉम्प्लिकेटेड वर्कपीस? अनइवन और कॉम्प्लिकेटेड जो वर्कपीस जटिल हैं उनके लिए कौन सा चक इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा डेडिकेटेड चक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सिस्टम में फीडबैक मिलता है हमें? तो कितनी बार बताएंगे? क्लोज लूप सिस्टम में। हाउ मैनी मैक्सिमम टूल एक मैक्स ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर में मैक्सिमम कितने टूल हो सकते हैं? तो बेटा वो 80 यानी 80 हो सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। इन CNC मशीन विच फीचर कैन सॉल्व प्रोग्रामिंग मिस्टेक? CNC मशीन में प्रोग्रामिंग की गलतियों को सॉल्व करने के लिए कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बेटा वो हम अभी इसी चैप्टर में, पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं। और कौन सा है? डायग्नोस्टिक फीचर्स। ठीक, ऑप्शन ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम कोड? तो बार बार बताया था मिसलेनियस कोड, ऑप्शन बी। सिमिलरली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNC मशीन? तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, डी ऑप्शन। विच सिस्टम कैन एक्सचेंज CAD एंड CAM सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन इंफॉर्मेशन? तो कौन सा है? तो बेटा वो IGES है, जो अभी हमने शुरू में पढ़ा, पहला क्वेश्चन वही था। इन द CNC मशीन विच इन द CNC मशीन विच डिवाइस यूज टू होल्ड द वर्कपीस? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में वर्कपीस को यानी कार्यखंड को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति यानी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो बेटा दोनों यानी कि ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर और ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजिशनर, दोनों यानी ऑप्शन सी का इस्तेमाल, यानी कि दोनों सी का इस्तेमाल नहीं बेसिकली कह सकता, ए और बी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। विच मशीन कैन स्टोर द प्रोग्राम? कौन सी मशीन प्रोग्राम को स्टोर करती है? तो बेटा वो CNC मशीन है जो प्रोग्राम को क्या करती है? स्टोर करती है। विच सिस्टम इज यूज फॉर मशीनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? एक बिंदु से दूसरे बिंदु की मशीनिंग प्रक्रिया के लिए कौन सा डिवाइस या कौन सा निकाय इस्तेमाल किया जाता है? तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, नाम ही है,
तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम ऑप्शन बी सही होगा। इन विच सिस्टम रेंडरिंग इज पॉसिबल, तो रेंडरिंग किस में पॉसिबल है बेटा, रेंडरिंग क्या है? तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम से 2D या 3D इमेजेस को ही बनाना सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से रेंडरिंग कहलाता है। तो रेंडरिंग क्या है, चाहे वो इमेजेस रियलिस्टिक हो या नॉन रियलिस्टिक हो, है ना, कंप्यूटर से बनाना 2D या 3D को वही रेंडरिंग कहलाता है। तो वो फिक्स है, ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DXF का फुल फॉर्म पूछा है बेटा, तो हो जाएगा ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। विच रूल इम्प्लीमेंट फॉर एक्सेस नामनक्लेचर, अक्ष के नामांकरण के लिए या अक्षों के, एक्सिस होता है तो अक्ष होता है, एक्सेस मतलब अक्षों के, अक्षों के नामनक्लेचर यानी नामांकरण के लिए कौन से नियम को इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो बेटा राइट हैंड रूल होता है जो अक्षों के नामांकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, पार्ट प्रोग्रामिंग से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर भी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। शॉर्ट में अब आएंगे, टाइप ऑफ टूल मोशन पूछा है, टाइप ऑफ टूल मोशन। तो सबसे पहले आप प्रिपरेटरी कोड देखिए, G02 वही बता देगा टाइप ऑफ टूल मोशन। तो G02 किसके लिए इस्तेमाल करते थे, तो बेटा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल करते थे, और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज में था, ठीक है ना। क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। सेम करेक्ट जी और एन कोड पूछा है किसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक, 5, 4 से 7, 2, तो X7Y7 यानी कि ये आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी सीक्वेंस नंबर 1 कोड G02 किस लिए, पॉइंट टू पॉइंट सर्कुलर पाथ, X7Y2 I5 और J2, तो ये ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी डायरेक्ट पढ़िए क्या कह रहा है कि कोडिंग दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल कंट्रोल पाथ कमांड परफॉर्म्स द एबव मेंशन ऑपरेशन। तो इसके लिए 5, 5 से 10, 10 सेंटर क्या है 10, 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला सीक्वेंस नंबर, तो सब में ये नंबर ऑफ सीक्वेंस ब्लॉक है 10 है, G02 ठीक है, X10Y10 ओके, X10Y10, X5Y5 हमारा X5Y5 और ये 5, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल कंट्रोलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस पाथ पोजिशनिंग, जी कोड डुअल के लिए, तो डुअल के लिए G04 का इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन डी होगा। CNC मशीन प्रोग्राम में क्वेश्चन रिपीटेड है, G02 और G91 का इस्तेमाल किसके लिए करते थे, G02 का मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज में, और G91 का मतलब क्या है आपका, इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग, है ना, G90 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज में और क्या है, इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग G91 का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल बेटा एक मेथड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल करना, है ना, यानी प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल करने की एक विधि है न्यूमेरिकल कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, द कंप्यूटर विल परफॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन इन, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कार्य किसमें करता है, तो बेटा कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कार्य कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में करता है। कंट्रोल लूप जो होता है यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट का, वो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा हार्डवेयर ही होता है, एज यूजुअल हम पढ़ रहे हैं, है ना, हमेशा। आगे बढ़ते हैं, द रिपीटेबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन डिपेंड्स ऑन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की जो दोहराने की प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो बेटा वो मैकेनिकल एरर, अगर उसमें कुछ यांत्रिक एरर है तो ही वो दोहराता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज कॉल्ड, ABC नहीं, जी नहीं, जेड एक्सिस था, एक सेकेंड, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो AXY और जेड को ABC एक्सिस बी कहते हैं, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा,
यानी कि सी एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, रोटेशन ऑफ स्पिंडल इज डेजिग्नेटेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस। जो स्पिंडल की रोटेशन है वो किससे प्रदर्शित होती है, इनमें से किससे प्रदर्शित करती है, होती है एक अक्ष से, तो बेटा किसी से नहीं, वो जेड से होती है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द लिंकिंग ऑफ ए कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन रिपीट है, क्या कहते थे, नेटवर्किंग कहते थे, ऑप्शन ए सही होगा। ये कंप्यूटर बेटा पिछली बार क्वेश्चन कराया हूँ, ऐसा मत कहो। एक कंप्यूटर को कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो राइटिंग कहलाता है, और कॉपिंग करना क्या कहलाएगा, रीडिंग कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सीएनसी लेथ मशीन्स हैव बिल्ट इन कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ाए थे। द जीरो पॉइंट या जीरो पोजीशन ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड, जीरो पॉइंट को हम क्या कहते थे, याद होगा आपको, मशीन जीरो पॉइंट कहते थे। सीएनसी मशीन आर नॉट नॉर्मली ऑपरेटेड, सीएनसी मशीन सामान्यतः नहीं ऑपरेट होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाई मीन्स ऑफ, वे किसकी मदद से कंट्रोल किए जाते हैं, तो बेटा प्रोग्राम की मदद से, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही क्या है, प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इज करेक्ट, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के लिए कौन सा एक कथन, या मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, करेक्ट पूछा है ना, सही है। तो आपको पता होगा ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है, प्रोग्रामिंग कैन बी एंटर्ड ऑन द कंट्रोल पैनल एंड कैन बी रीड फ्रॉम अ टेप। आगे बढ़ते हैं, कमांड जी जीरो, तो याद होगा आपको रैपिड मोशन, यानी ऑप्शन बी होगा। द कमांड इन सीएनसी मशीन फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए, तो आपको याद होगा जी जीरो वन लीनियर इंटरपोलेशन। रिटर्न टू रिफरेंस पोजिशन, आपको याद होगा जी ट्वेंटी एट। कोड पढ़िए, कटर कंपनसेशन कैंसिल, आपको याद होगा जी फोर्टी, और जी फोर्टी वन क्या था, राइट के लिए 42 था और लेफ्ट के लिए 41 था, है ना। पेक ड्रिलिंग साइकिल कमांड, तो बेटा वो G73 था। इन सीएनसी एब्सोल्यूट सिस्टम कमांड, एब्सोल्यूट के लिए क्या था आपका, G90 था, G91 इंक्रीमेंटल के लिए था। फीट पर रिवॉल्यूशन किसके लिए था बेटा, तो कोड कौन सा था, G95 था। आगे बढ़ते हैं, फीट पर मिनट, तो ये क्या था, फीट पर मिनट G94 था, फीट पर रिवॉल्यूशन G95 होगा। कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल किसके, कौन सा कोड था बेटा, तो G96। कूलेंट ऑन के लिए M07 का इस्तेमाल करते हैं, M07 मिस्ड कर लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे सर M08 था ना, तो जी हाँ बेटा M08 था, ये फ्लड के लिए। मिस्ड और फ्लड में क्या फ़र्क है, एयर के साथ ब्लो कराते हैं, रिमूवल कराते हैं, कूलिंग कराते हैं, मिस्ट कहलाता है, केवल लिक्विड फ्लो है तो फ्लड है ना, तो मिस्ट और फ्लड M07 M08 दोनों कूलेंट ऑन है, कूलेंट ऑफ के लिए M09 का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पूछ ही लिया है कूलेंट ऑफ, तो डी ऑप्शन M09। एंड ऑफ प्रोग्राम यानी कि रीसेट, ऑप्शन ए M30 होगा। स्पिंडल ओरिएंटेशन, स्पिंडल की ओरिएंटेशन के लिए M19 का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेडिंग साइकिल कैंड के लिए यानी फिक्स साइकिल के लिए G76 का इस्तेमाल करते हैं। चक क्लैंप को कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए हम M11 का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक ऑन इंफॉर्मेशन कह रहा है एन क्या, जो N10 है वो एन क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो बेटा एन जो है सीक्वेंस नंबर को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन ए है। ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जी क्या इंडिकेट करता है, तो मैं बताया था जी कैसा कोड है, तो जी प्रिपरेटरी कोड है, एम मिसलेनियस कोड है, जी क्या हो जाएगा प्रिपरेटरी हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा मिसलेनियस हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मशीन रिफर्स पॉइंट, मशीन कौन कौन से पॉइंट्स को रिफर करती है, तो मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द मशीन, जो मशीन का रिफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द मशीन, मशीन का अधिकतम ट्रेवल होता है। कोड्स आर मॉडल, तो क्या है कि डू नॉट हैव टू बी रिपीटेड इन एवरी सीक्वेंस लाइन। कोड्स जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि
वो कभी रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एक सीक्वेंस लाइन में, इसीलिए तो कोडिंग कर रहे हैं, नहीं तो फिर फायदा क्या है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थक गया हूँ, क्वेश्चन पढ़िए। ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन एस इंडिकेट्स, तो नाम से ही स्पष्ट है, एस क्या, स्पीड ऑफ स्पिंडल, तो एस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो वो स्पिंडल की स्पीड को। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन एफ इंडिकेट्स, एफ से क्या इंडिकेट करते हैं, तो फीड इंडिकेट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन आर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो रेडियस। स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, तो कौन सा कोड देते हैं, G71। विच लेटर यूज फॉर सब रूटीन्स प्रोग्राम, सब रूटीन के लिए कौन सा लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा सब रूटीन्स के लिए L कोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऑप्शन बी। इन CNC स्पिंडल रोटेट क्लॉकवाइज, तो स्पिंडल अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो M03। डू लूप कमांड क्लोज के लिए G06। डू लूप कमांड क्लोज के लिए हमारा G06 का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच नॉन मॉडल कमांड, नॉन मॉडल कमांड का मतलब ड्यूल ही है एक तरह से, तो नॉन मॉडल कमांड के लिए G04 का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑटोमेटिक टूल चेंजर यानी कि ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर इन CNC मशीन कोड कौन सा होगा, तो बेटा वो M06 होगा। एक सेकंड, कुछ देखना चाह रहे हैं, G06 डू लूप कमांड क्लोज के लिए और M06 नॉन मॉडल कमांड के लिए, है ना, सॉरी ये ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए M06 बी ऑप्शन। G06 और M06 में कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज्ड वेरिएबल्स, दो टर्म होते हैं मैक्रो और माइक्रो, तो जो मैक्रो प्रोग्रामिंग है कौन से वेरिएबल का इस्तेमाल करता है, लोकल वेरिएबल, जी हाँ, ग्लोबल, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल, ये तीनों तरह के, यानी ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन कोड इन CNC मशीन, जो स्पिंडल की स्पीड है उसकी लिमिट क्या है CNC मशीन में, तो बेटा वो अगर कोई कोड हम दे रहे हैं, कोड पूछा है बेसिकली, कोड पूछा है ना, ये कोड पूछा है किसके लिए, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन के लिए, तो वो कोड कौन सा होगा बेटा, वो कोड होगा G92, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन कराएंगे, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने जैसा कहा था कि मैं जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि काफ़ी है, बट इट इज़ मोर एनफ। अगर आप पूरा प्रैक्टिस कई बार कर लेते हैं, सारे जी कोड एम कोड्स को याद कर लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से होंगे, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। चलिए तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।